अहिल्या देवी के मां बनने से पार्वती को जलन होगी और द्वारका बाई पार्वती के कान भरेंगी। जी हां, सो पुण्यश्लोक अहिल्या बाई के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं 8 वर्ष का लीप, और इन 8 वर्ष के लीप के दरमियान अहिल्या देवी अपने संतान को जन्म देंगी और मालवा के वारिस के आने पर पूरा होलकर खानदान बहुत ज़्यादा खुश होगा और वहाँ खंडेराव अहिल्या देवी से अपने खुशी जताएंगे और इन्हें मल्हार सरकार भी गले लगाकर कहेंगे अहिल्या देवी को भी धन्यवाद। जबकि अहिल्या देवी की यह खुशी पार्वती को फूटी आंखों भी नहीं भाएगी, क्योंकि अहिल्या देवी के मालवा के वारिस को जन्म देने से सभी इनको मान सम्मान दे रहे होंगे और अहिल्या देवी का मान सम्मान देकर पार्वती को जलन होने लगेगी और वहीं इस बात का द्वारका बाई फ़ायदा उठाएंगी और चुपके चुपके पार्वती के कान भरेंगी और इसको कहेगी कि आज अहिल्या देवी माँ क्या बनी, देखो बाड़े में इसका कितना मान सम्मान हो रहा है, बस अहिल्या देवी को तो मौका मिलना होता है तारीफें समेटने के लिए। वहीं एक तरफ तो पार्वती को पहले से ज़्यादा जलन हो रही होगी, वहीं द्वारका बाई की बातें सुनकर इसे अहिल्या देवी पर गुस्सा आने लगेगा। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा अपकमिंग एपिसोड। जल्दी मिलते हैं एक नई और धमाकेदार एंट्री के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहिए हमारे साथ नई अपडेट्स के लिए। थैंक यू, बाय बाय।